हरियाणा की पुलिस का अपना इतिहास रहा है पूरे भारत में। क्या पूरी दुनिया जानती है हरियाणा पुलिस किसी भी अपराधी की कमर तोड़ने में कामयाब रही है। पिछले दिनों इन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से साइबर अपराधियों को पकड़ा और कई ऐसे राज उलवाए जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं। इन्होंने बताया कि अपराधी कितना भी सातिर क्यों ना हो, वह इनसे नहीं बच सकता। आज डीएवी स्कूल सेक्टर 49 में गुरुग्राम पुलिस के सहयोग से साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए साइबर हैकॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा गुरुग्राम के 46 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान साइबर ताऊ के नाम से मैस्कॉट को लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति सचेत करना व विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना था और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर डायल 1930 पर कॉल करें, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और लोगों को भी जागरूक करें। इस चीज के लिए प्रावधान है और कानून के अनुसार जो कार्रवाई उन पर बनती है उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो इसको कैसे रोकें? उनको माननीय न्यायालय के सम्मुख हम लोग पेश करते हैं और उनको रेंज की गाइडलाइन जो होती है उनको हम फॉलो करते हैं और कानून अनुसार जो कार्रवाई पालन लाई जाती है उसको हम पालना करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी मामले कुछ अभी पिछले कुछ समय से बड़े हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आम पब्लिक को जब भी साइबर क्राइम होता है 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी चाहिए। 1930 पर कॉल करिए और साइबर क्राइम से बचिए। हर हफ्ते के हर मंगलवार एवं शनिवार को हम पैदल गश्त करते हैं गांवों के इलाकों में, शहरों के इलाकों में, जहां पर भी वो है, और पैदल गश्त के माध्यम से लोगों को हर तरह के अपराध जिसमें साइबर अपराध भी शामिल है उनको अवगत कराते हैं। 1930 हेल्पलाइन के बारे में बताते हैं, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके बारे में भी बताते हैं। तो हमारा जो प्रचार प्रसार अभियान है वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव, डाली, कस्बे, जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और इसके प्रयासों के नतीजे भी हमको देखने को मिलते हैं।